राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी संघर्ष का हल अब प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी रेणुगोपाल निकालेंगे। इस बारे में आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बता दिया है। दोनों से कहा गया है कि जुलाई में राज्य के बारे में बात होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। प्रदेश में सियासी घमासान शांत करने की कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने दो दिन पहले सीएम गहलोत से बात की है और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी सक्रिय हो गए हैं। पायलट के दिल्ली जाने उनकी कमलनाथ से फोन पर बात भी हुई थी। पी चिदम्बरम, भंवर जितेंद्र सहित कांग्रेस के कई केंद्रीय नेता भी पायलट का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे संकेत है कि जल्द कैबिनेट विस्तार व संगठन स्तर कुछ अहम हो सकती है। गहलोत भले ही कह चुके हो कि उन्हें डॉक्टरों ने दो माह तक मिलने जुलने से मना किया है, फिर भी आलाकमान ने साफ साफ संदेश भेज दिया है, अब लड़ाई आगे नहीं चाहिए। वर्तमान में गहलोत व पायलट के बीच समन्वय कराने का जिम्मा प्रदेश प्रभारी अजय माकन संभाल रहे हैं, लेकिन राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रियंका गांधी तक ये संदेश पहुंचाया कि माकन राजस्थान के बजाय दिल्ली में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। वे पिछले तीन माह से राज्य के दौरे पर भी नहीं आए। राज्य के कांग्रेसियों से माकन की मुलाकात भी आसानी से नहीं हो पाती है। गहलोत व पायलट के बीच विवाद लंबा खींचने का कारण प्रदेश प्रभारी के जरूरत के मुताबिक दिलचस्पी नहीं लेना बताया गया है। उधर अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए वहां के नेताओं ने प्रियंका गांधी से आग्रह किया है कि सचिन पायलट को नाराज नहीं किया जाना चाहिए। यूपी के 20 जिलों में गुज्जर समाज का प्रभाव है, ऐसे में पायलट का यहां उपयोग होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर सहित कई नेताओं ने पायलट को राजस्थान के साथ ही यूपी के लिए उपयोगी बताया है। आलाकमान ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं से गहलोत व पायलट के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने को लेकर सुझाव मांगे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रघुवीर मीणा, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान ने गहलोत को राज्य का सर्वमान्य नेता बताते हुए कहा कि सरकार में फैसले लेने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन पायलट को भी नाराज नहीं करना चाहिए। राज्य के नेताओं ने आलाकमान से कहा कि भविष्य को देखते हुए पायलट को खोना नहीं चाहिए, वे पार्टी की संपत्ति है। इधर कमलनाथ के करीबी व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी में सेकेंड लाइन लीडरशिप की वकालत की है। कहा है कि सचिन पायलट योग्य है, उनकी क्षमता व लोकप्रियता का पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए। पार्टी के लिए पायलट जरूरी है क्योंकि अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। दरअसल अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इन जगहों पर कांग्रेस को पायलट की जरूरत भी है। इन राज्यों में कांग्रेस पायलट उपयोग भी करना चाह रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।